तो देखो यार, दुलकर सलमान की मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म फाइनली थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है और इसको ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से काफी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिल रहा है। इस फिल्म के अंदर दुलकर सलमान की एक्टिंग बहुत ही धांसू है। इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही औसम है। इसके अंदर जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ही रोमांटिक है। मगर इस जो बॉलीवुड के ऑडियंस है, जो बॉलीवुड के क्रिटिक्स है, उनको दुलकर सलमान की एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी। इसके अंदर जो लव स्टोरी दिखाई गई थी वो भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन ओवरऑल जो मूवी है वो बहुत ही एवरेज निकल कर आती है। मतलब किसी को पसंद आती है और किसी को पसंद नहीं आती। और भी बहुत सारे लोगों का कहना है ये फिल्म RRR, पुष्पा, KGF ये सारी फिल्मों का जब मिक्स वर्जन है, मतलब ये उसको जो है कॉपी करके या फिर इंस्पायर होकर बनाया गया है। मगर जो भी बोलो, ये फिल्म तो साउथ के अंदर झंडे गाड़ रही है, लेकिन बॉलीवुड के अंदर ये अगर चल जाती, अगर इसका अच्छा कॉन्टेंट होता ये तो डेफिनेटली चलती है। मगर इसका कॉन्टेंट थोड़ा सा लो है और यहाँ पर अभी गदर 2 और ओ माय गॉड 2 चल रही है, तो इसी वजह से इसको थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। लेकिन भाई डेफिनेटली ये मूवी मुझे पसंद आई। तुम्हारे इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय और गुड बाय।